नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी के बारे में। जो हरियाणा में वैकेंसी निकली 28,000 कुछ वैकेंसी, उनके बारे में तो उन्हें काफ़ी बड़ा बदलाव हो रहा है। तो ये आज की अपडेट है, 20 सितंबर की एक खबर निकल कर आई, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो उसमें बताया गया है कि आपकी लिखित परीक्षा नहीं होगी, सीधा इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो इसके बारे में सारी जानकारी में इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जॉब्स का कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो हरियाणा में निकली हो या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो। तो दोस्तों, चलते हैं सीधा उसी न्यूज़ पर और आपको बताते हैं क्या आया है न्यूज़ में और क्या इसका मैटर है। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये न्यूज़ सच है या नहीं है। तो यहाँ देखिए, ये पूरा न्यूज़ पेपर आप इसमें चेक कर सकते हैं। यहाँ चतुर्थ श्रेणी का 18,000 पदों के लिए 10 लाख लाइन में, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए आप नीचे। तो अभी चलते हैं सीधा न्यूज़ पर। तो इसमें बताया ये गया है कि चतुर्थ श्रेणी का 18,000 पदों के लिए 10 लाख लाइन में। तो जो ये डाटा है 10 लाख, ये गलत है, लेकिन उन्होंने क्या बताया वो आप आगे ज़रूर देख लें। ये देखिए, इसमें एग्जैक्ट नहीं बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जैसे 18,000 पदों के लिए अब तक लगभग 10 लाख लोगों ने दावेदारी जताई है, और उसमें जो ये डाटा है, अभी जो फॉर्म एक्सटेंड हुए हैं आपके, ये 4-5 दिन का जो आप डाटा होगा, ये अभी इंक्लूड नहीं किया, इसके बारे में आगे बताया गया है। तो करीब 10 लाख बताए हैं, ठीक है, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा ही कैंडिडेट हैं। 24 सितंबर तक कर सकेंगे लोग आवेदन। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि इंटरव्यू के जरिए होगी चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती। हरियाणा कर्मचारी आयोग ने 24 सितंबर के बाद 18,600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू कर देगा। इन पदों पर लिखित परीक्षा नहीं होगी। राज्य सरकार चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का फैसला वापस ले चुकी है। तो दोस्तों, ये देखिए, इसमें आप बात करें कि ये न्यूज़ सच है या झूठ है। तो अगर न्यूज़ की बात करें तो हम ये सच है, लेकिन ऑफिशियल ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है, और ये एक टाइप से संभावित हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि टाइम कम है, जिस वजह से भी ये स्टेप लिया जा सकता है। इसमें बताया गया है, देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भारत भूषण भारती के अनुसार अब इन पदों पर सीधे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के जरिए भर्ती प्रक्रिया को कम से कम समय में अंजाम देने की कार्य योजना तैयार की जा रही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है आगामी चुनावी साल है, तो चुनाव से पहले भर्ती कराना जरूरी है। क्योंकि जो पहले जो भर्ती है हरियाणा पुलिस की, वो ऑलरेडी कोर्ट में है। तो अभी लेटेस्ट में, रिसेंट में कोई भर्ती ऐसी हुई नहीं है। अभी जो वो रोडवेज की जो भर्ती हुई थी, बस एक वही भर्ती हुई। अब इसको भी अगर जल्द से नहीं कराया जाएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो जिस वजह से एक पद के लिए 55,000, तो इसमें बताया गया है कि 18,000 पदों के लिए तारीख बढ़ा दी गई है, जिससे 3 लाख के करीब आवेदन और आ जाएंगे। तो 14-15 लाख के करीब आवेदन बताए गए हैं। तो इसमें बताया गया है कि इससे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। एक पद के लिए 55 से 60,000 युवाओं की दावेदारी से इंटरव्यू सिस्टम गड़बड़ाने के आसार पैदा हो गए हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल कि ये बोलना कि 100% गलत न्यूज़ है, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर देखें तो ये न्यूज़ आई है न्यूज़पेपर में, और अभी इसके बारे में 100% एग्री नहीं हो सकते कि भाई बिल्कुल लिखित परीक्षा नहीं होगी। लेकिन जैसा यहाँ बताया जा रहा है, तो इसके बारे में आपको ऑफिशियल नोटिस भी मिल जाएगा, और अगर हो सके तो ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर कम समय है तो जिसकी वजह से ये भर्ती कराई जा सकती है इंटरव्यू के साथ भी। लेकिन पहले ये चीज़ बताई गई थी, इंटरव्यू को ख़त्म किया जाए क्योंकि करप्शन ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अब ये पता नहीं कहाँ से स्टेप आया कि अब लिखित परीक्षा मत कराओ, अब सीधा इंटरव्यू करा दो। तो इसके बारे में देखते हैं, जैसे ही पुख्ता जानकारी मिलती है, ऑफिशियल नोटिस आता है, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन अभी तक की जानकारी के लिए आपके सामने जो जानकारी है वो यहाँ है, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि मतलब ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन जो न्यूज़पेपर है उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि ऐसा होने वाला है। आप अपनी राय जरूर दें कि ऐसा भर्ती होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके कि इस टाइप में बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो इसे सभी जो आपके स्टडी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, उनमें शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।